ઓફ વડોદરા. ડભોઈ શહેર તાલુકામાં મુસ્લિમ બિરાદરો દ્વારા ઈદ ઉલ ફિત્રની શાનદાર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ડભોઈ શહેરમાં ઈદની નમાઝ અદા કરવા ઈદગાહ મેદાન ખાતે સવારે 8 કલાકે 7 થી 8 હજાર મુસ્લિમ બિરાદરોએ સમૂહમાં નમાઝ અદા કરી હતી. મૌલાના અનવર અશરફી દ્વારા નમાઝ અદા કર્યા બાદ મૌલાનાએ જણાવ્યું હતું કે પ્રત્યેક મુસ્લિમે એકબીજાને સમજી પ્રથમ પાડોશીનું ધ્યાન રાખવા માટે અનુરોધ કર્યો હતો. મુસ્લિમ બિરાદરોએ મસ્જિદોના પેશ ઇમામો મૌલાનાઓ હઝરતો દ્વારા ઈદની વાજિબ નમાઝ પઢાવવામાં આવી હતી. સાથે જ નમાઝ બાદ એકબીજાને ઈદની મુબારકબાદી પાઠવી હતી. वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. आज ईद उल फितर का दिन है कि जिस दिन के अंदर मुसलमान ईदगाहों में मस्जिदों में हाजिर होकर अपने अपने रब की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाकर अल्लाह का शुक्र अदा करती है. तो इसी शुक्र अदा करने के लिए डभोई की जामा मस्जिद के अंदर, डभोई ईदगाह के अंदर और मुख्तलिफ मस्जिदों के अंदर मुसलमान हाजिर होकर ईद की नमाज अदा की है और अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि मौला ताला हमें रमज़ान का बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए और हम सब की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए. और साथ ही साथ मुसलमानों ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि मौला ताला हमारे मुल्क हिंदुस्तान को भी हर तरह की आफतों से महफूज रखे और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भाई चारा मोहब्बत अता फरमाए. आमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु.